हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लाउड, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है IoT, वो भी हमारा क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में से ये दो टॉपिक ज़्यादा है, जिनमें से जो हमने ये लास्ट से टॉपिक से इससे पहले हमने डिवाइसेस किए थे, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो हमारा क्लाउड क्या होता है, ये हमारे जैसे क्या होते हैं, अब इसको क्या बोलते हैं, पहले जो होते थे ज़्यादातर हम इसको क्या बोलते थे, कलेक्शन ऑफ सर्वर्स, मीन्स जहाँ पे सारे के सारे सर्वर्स की क्या होती थी, कलेक्शंस होती थी ज़्यादातर। अब आजकल इसका क्लाउड का जो इतना ट्रेंड में है, इतना यूज़ होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरनेट ही बोल देते हैं, क्लाउड को हम नेट ही बोल देते हैं। पहले क्या, इसको हम कलेक्शन ऑफ सर्वर्स भी बोल सकते हैं और इटसेल्फ इंटरनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या होता है, बेसिकली क्या होती है, ये एक कंप्यूटिंग होती है, कैसी कि हम इस पर क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। मीन्स ये किस तरह की कंप्यूटिंग है, जहाँ पे हम अपने रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर, इन्फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ को सेव कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेविंग इन आर सिस्टम्स हार्ड ड्राइव, हम क्या करेंगे, किसी और चीज़ में इसको सेव कर देंगे, जैसे कि MI क्लाउड होता है आपका, MI के फोन्स में गूगल ड्राइव होता है, कि हमको कुछ डाटा, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ पिक्चर्स हैं जो वो अपने फ़ोन में तो सेव नहीं करनी, बट हमको क्या करना है, कहीं और सेव करना है, तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं, MI क्लाउड का यूज़ कर लेते हैं, या फिर अपने गूगल ड्राइव पे इसको क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, जिसमें हमें कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ डाटा तो मिलता ही मिलता है। ठीक है ना, मीन्स कुछ स्टोरेज, कुछ मेमोरी मिलती है, अगर हमें कुछ ज़्यादा मेमोरी चाहिए तो हम उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये तो सिंपली क्लाउड था, कि क्लाउड होता क्या है, इज सिंपली लाइक योर एक्स्ट्रा स्पेस जहाँ पे हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं। ओके, सो नाउ देयर आर सम टाइप्स, ओके, फोर टाइप्स ऑफ क्लाउड, प्राइवेट, पब्लिक, कम्युनिटी एंड हाइब्रिड। ओके, सो प्राइवेट एंड पब्लिक से तो नेम से ही क्लियर हो रहा है कि ये होता क्या है। मीन्स प्राइवेट क्या, जो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, मीन्स एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपने यूज के लिए, सेल्फ यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या करती है, इसका यूज करती है। ओके, सो योर प्राइवेट क्लाउड मीन्स एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन अपने एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए या फिर किसी भी नीड को करने के लिए क्लाउड का यूज कर रही है, तो वो मेरी क्या होती है, प्राइवेट क्लाउड होती है। ठीक है, पब्लिक क्लाउड में क्या होती है, ये क्या होती है, फॉर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन ऑन शेयर्ड बेसिस, मीन्स बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, इस क्लाउड का यूज करती हैं, डाटा को, इन्फॉर्मेशन को, ईमेल्स को शेयर करती है। ठीक है, और जो ये मैनेज होती है, मीन्स अगर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा शेयर हो रहा है, यूज हो रहा है, तो कोई तो उसको मैनेज कर रहा होगा, कोई तो होगा जो उसको शेयर कर रहा होगा, तो ये है हमारा थर्ड पार्टी। मीन्स जितनी भी उसमें ऑर्गेनाइजेशन में ये शेयर हो रहा है, तो एक थर्ड पार्टी होती है जो इसको क्या करती है, मैनेज करती है कि क्या डाटा ऑफ शेयरिंग है, क्या चीज़ है, मीन्स हर चीज़ को हैंडल करना। ठीक है, मीन्स ये यहाँ पे प्राइवेट में सिंगल ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ पे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, बट मैनेज बाय थर्ड पार्टी, किसी और के थ्रू ये क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। ठीक है, एंड योर हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड वो आपका पब्लिक एंड प्राइवेट मिक्स होता है। ठीक है, मींस दोनों को मिला के, मींस जो आपका क्लाउड होता है, जहां पे आप इसको पब्लिकली भी यूज कर सकते हैं, प्राइवेटली भी यूज कर सकते हैं, वो आपका हाइब्रिड होता है। जहां पे भी आपका हाइब्रिड नहीं माना ना, आपने टोपोलॉजी भी पढ़ी होगी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, मींस दो तीन को मिक्स करके जो टोपोलॉजी बन जाती है, वहीं पे मींस मिक्सिंग हो रही है, जो उसकी प्रीवियस 2-3 टाइप्स है उनको मिक्स करके जो बनता है वो आपका होता है। ठीक है, हाइब्रिड होता है। नाउ योर लास्ट टाइप विच इज कम्युनिटी, मीन्स आपकी कम्युनिटी क्या होती है। ठीक है, कम्युनिटी क्या होती है, ये आपका एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, कैसे हम क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ठीक है, मीन्स अलग अलग क्लाउड्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग क्लाउड्स की उनकी कुछ कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज को मिक्स करके, इंटीग्रेट करके, उसको क्या बना लेते हैं, एक सर्विस में बना लेते हैं, जो मेरी क्या होती है, कम्युनिटी क्लाउड बनती है। ठीक है, मीन्स अलग अलग क्लाउड की सर्विसेज को इंटीग्रेट करके एक स्पेसिफिक टास्क को, एक स्पेसिफिक नीड को गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जिसका क्रिएट करते हैं, वो मेरा क्या होता है, कम्युनिटी क्लाउड होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज ऑफ डिफरेंट क्लाउड, ओके, आपके अलग अलग क्लाउड्स की सर्विसेज को इंटीग्रेट करके एक स्पेसिफिक नीड को एड्रेस करना। ठीक है ना, ये क्या होता है, आपका एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, पर्टिकुलर वर्क क्या कर देते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते। सो अब ये तो हमारा क्लाउड का एक छोटा सा टॉपिक था, ओके,
जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि क्लाउड क्या होता है, सिंपली अगर सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं, एक टाइप का एक्स्ट्रा स्पेस होता है, ठीक है ना, जहाँ पे हम अपने डाटा को सेव कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर स्टोर कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। और हमारी फोर टाइप्स की, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड हाइब्रिड, प्राइवेट प्लस पब्लिक। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे क्या IoT, ठीक है, व्हाट इज IoT?